नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ जिले में डायल 112 की चार पहिया वाहन अब पुलिस के जवान नहीं बल्कि होमगार्ड के जवान चलाएंगे, जिसके लिए नामित होमगार्डों को आईटीआई में नवनिर्मित डीटीआई टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट लिया गया। सफल होमगार्ड डायल 112 के वाहन पर चालक के पद पर अब नियुक्त होंगे। आईटीआई में परिवहन विभाग का डीटीआई टेस्टिंग ट्रैक पर डायल 112 के चार पहिया वाहन पर चालक के पद पर तैनाती को लेकर होमगार्ड जवानों के ड्राइविंग स्किल की आज टेस्टिंग की गई। आरटीओ विभाग के आरआई पवन कुमार सोनकर के नेतृत्व में इन जवानों को शहर के आईटीआई ग्राउंड पर बने टेस्टिंग ट्रैक पर उनकी ड्राइविंग स्किल की टेस्टिंग की गई। इन सभी जवानों के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी काबिलियत की परीक्षा ली गई है। आरआई पवन कुमार सोनकर ने बताया कि कमांडेंट का आदेश था कि होमगार्ड जवानों के डायल 112 में तैनाती से पहले उनके क्षमता को जांच लिया जाए। इसके लिए आज नामित होमगार्डों के जवानों को उनका टेस्ट लिया जा रहा है और शाम तक इसके रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। आज जो है 112 के सारे जवान जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने जो है ड्राइविंग का जो है टेस्ट देने के लिए। ये सारे होमगार्ड्स के जवान हैं और इनका जो है नियुक्त किया जाएगा डायल 112 चलाने के लिए। तो उसी के संबंध में जो है हमें एक आदेश मतलब मिला हुआ था कि आप डायल 112 के जितने होमगार्ड जवान हैं जिनको नामित किया गया है उनका जो है एक डीएल का टेस्ट लेके जो उनको जो है आगे के लिए अग्रिम कार्रवाई करवाएं। कितने दिन चलेगा ये? नहीं, टेस्ट तो सिर्फ आज ही का है। ऑलरेडी ये लोग डीएल होल्डर हैं, इनके पास डीएल है, लेकिन हमारे यहाँ कमांडेंट साहब का एक आदेश आया था कि इनको डायल 112 की गाड़ी देनी है, तो आप एक इनका पुनः टेस्ट लेके पास करके या तो जैसा भी उनका एक रिजल्ट दीजिए ताकि हम इनको डायल 112 में लगा सके। तो उसी के संबंध में हमारे देखिए सारे जो है जवान आए हुए हैं यहाँ पे और ये हमारा डीटीआई का जो है टेस्टिंग ट्रैक बन चुका है, तो आज इसी पे हम इन लोगों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के उपरांत शाम को इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।